हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मनाली। हमारे साथ हैं शिवम जी, ये देखिए पूरे बैठे हैं। तो फाइनली बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद शिमला, नैनीताल और पता नहीं कहां कहां, फाइनली हमारा मूड बना मनाली को। सो अभी हम निकल चुके हैं अपने एरिया पांडव नगर, गणेश नगर से कैब पकड़ ली है। और हमारी बस जो है वो मिलेगी कहाँ, मजनू का टीला। मजनू के टीले पर मिलेगी हमारी बस, जो कि है नाम से तो डीलक्स लग्जरी है। अब जाके देखते हैं, रियो ट्रेवल्स की है, तो जाके देखते हैं कैसा है क्या है। मतलब फोटो वाइज तो बस अच्छी थी, प्राइस भी उसका लगभग पर पर्सन हमें 1600 रुपये के करीब पर पर्सन प्राइस उस बस का पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स और मजनू का टीला बोर्डिंग पॉइंट, और वहां पे जाके हम देखते हैं क्या है कैसे है, बाकी मैं आगे का कंटिन्यू करता रहूंगा। हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है मजनू टीला। शिवम भाई कोल्ड ड्रिंक पी के पूरा मस्त है, और हमारे बस की टाइमिंग 9 बजे की है, तो अभी आधा घंटा बचा हुआ है। तो हम थोड़ा स्नैक्स आइटम ले रहे हैं और खा पी रहे हैं यहाँ पे आराम से। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे आके सारी बसें रुकती हैं। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं और अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो। अपना इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने ही यहाँ पे हमारी बस लगेगी, जैसे कि वो लगी हुई है वोल्वो। अभी ये जाएगी, इसके नेक्स्ट हमारी आएगी। तो काफ़ी पब्लिक बैठ के देख रहे हैं, आप इंतज़ार कर रही है, तो नेक्स्ट बस का इंतज़ार हो रहा है। एक बार वो आती है मैं कंटिन्यू करता हूँ और आपको आगे का ब्लॉग बताता हूँ कैसा है क्या है रिव्यू। ये अपनी बस आ चुकी है, रियो ट्रेवल्स ऑन टाइम, और अभी हम वेट कर रहे हैं बस का लगने का, ताकि हम बस पे बैठ सकें। शिवम भाई भी थोड़ा पसीने पसीने हो गए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं रियो ट्रेवल्स का। ये हमारी आगे वाली सीट है, सेकेंड वाली। तो एक बार बस की ओपनिंग होती है तो हम जाते हैं, अपना सामान कैबिन में रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बस में बैठ चुके हैं, बस काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें ये हाई सपोर्ट भी मिला हुआ है जिससे कि हम पूरा लेट पा रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छी बस है, शिवम भाई भी साथ में पूरा आइसक्रीम खाते हुए मज़े करते हुए ड्रीम इलेवन पर मैच लगा रहे हैं। तो बाकी कम्फर्ट लेवल में तो अच्छी है बस, और स्पेसियस भी है काफ़ी, तो अभी तो मज़ा आ रहा है। अभी बस का डिपार्चर हमारा 10 मिनट बाद का है, तो हम बैठ गए हैं और 10 मिनट बाद हमारी बस यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो आगे की भी जर्नी हम धीरे धीरे कवर करते हैं, अभी तो टाइम हो गया थोड़ा कमर सीधी करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं हम, और थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी जो भी था थक गए हैं, तो थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ, क्योंकि 1.5 घंटे बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट पर स्टॉपेज देने वाले हैं। तो इनका स्टॉपेज ऐसे है, मतलब शो कर रखा है इन्होंने कि कैसे कैसे टाइम पे क्या क्या स्टॉपेज है। तो सुबह 10 बजे की पहुंचाने की टाइमिंग है मनाली की, बाकी हम ट्रैक करते रहेंगे और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो गाइस सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते हुए, और अभी हमारी बस चल चुकी है करेक्ट टाइम पे। ये अपना सिग्नेचर ब्रिज है, और ये हमारा सामने का टूर आप देख रहे हैं। बस हमारी चल चुकी है, एकदम हमारी बस चल चुकी है, पूरा सामने का व्यू लेते हुए शिवम भाई बैठे हैं पूरा। शिवम भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। शिवम भाई बढ़िया लगवाते हुए पूरा जा रहे हैं। फाइनली हमारा पहला स्टॉप आया, शिवम साहब डिनर ढूंढ रहे हैं अच्छे से, और हमारे पहला स्टॉप है ये पानीपत के आगे है। तो हमारी बस पीछे रुकी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम डिनर के लिए जा रहे हैं और देखते हैं डिनर में क्या क्या है। डिनर करने के बाद हम आगे मूव करेंगे। स्नैक्स आइटम तो थे, हमने स्नैक्स आइटम पूरे खा लिए, लेकिन मेन कोर्स के लिए बस ने स्टॉपेज लिया है, तो मेन कोर्स के लिए हम उतरे हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या क्या है। आप देखिए बहुत सारे आइटम लगे पड़े हैं, तो सारे मेन्यू हमें देखने पड़ेंगे और उसके बाद देखते हैं। पहले मैं देखता हूँ क्या मेन्यू में और ऑर्डर करके फिर कटाना। हो गया, पेट पूजा हो गई, और शिवम की फरमाइश पे एक कोल्ड ड्रिंक ली है। अगले को साइनस है तब भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक हमने ली है। खा पी के हम फिट हो गए हैं बिल्कुल, जलेबी सलेबी खा के सब फिट हो गए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने बस की तरफ, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम था और टाइम पूरा हो गया, तो बस के अंदर चल रहे हैं अब हम, और अंदर चल के फिर कंटिन्यू करते हैं। पानीपत क्रॉस कर चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं, और पानीपत से आगे आ गए सर, पानीपत से आगे आ गए हैं। रात के 12 बज रहे हैं, अब हमने प्लानिंग करी है कि लाइट वेट बन करके अब हम सो जाएंगे और हमारी मॉर्निंग होगी सीधा मनाली में। शिवम साहब तो बोल रहे हैं सो जाते हैं, देखते हैं बस में नींद आती है कि नहीं, क्योंकि सीट तो कंफर्टेबल है और ये अपना थाई सपोर्ट भी है नीचे, तो सोते हैं और सोने का ट्राई करते हैं। इन केस अगर नींद ना आई बीच में मेरी आँख खुली तो मैं बीच में कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो सुबह मनाली में ही मिलते हैं। अभी 3:30 हो रहे हैं और हम कहीं बीच में रुके हुए हैं, तो वॉशरूम के लिए थोड़ा ब्रेक मिला था, वॉशरूम करके अब थोड़ा सा ब्रेक किया। हमारी बस पीछे खड़ी है,
अभी आधा रास्ता कवर हुआ है, अराउंड 217 किलोमीटर मनाली रह गया है और 3:30 हो रहे हैं। बढ़ते हैं और आगे का भी कवर करते हैं, चलते हैं अंदर बस में वापस।